एवरीवन, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव नाइट टुडे एंड मैं इस पूरे प्रोडक्टिव नाइट को ब्लॉक करूंगी। तो बेसिकली पिछले एक दो वीक से मेरा पूरा रूटीन बहुत हेक्टिक चल रहा था, आई वाज कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग एंड पिछले वीक तो 3 वीडियोस गए थे एंड ऑल इन ऑल दिस होल थिंग मेड मी रियली टायर्ड। तो आज थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे रहा है अभी तक एंड अभी ये जो नाइट वाला पार्ट है ना, इसको मैं रिलैक्सिंग के साथ साथ थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू ब्लॉक दैट ऑल एंड ये पूरा जो मेकअप आप अभी देख रहे हो ना, क्योंकि मैंने इसे जस्ट पहले एक शूट किया था फॉर द फर्स्ट पोस्ट ऑफ माई थ्रिफ्ट स्टोर। इफ यू डोंट नो, आई रिसेंटली स्टार्टेड माई ओन थ्रिफ्ट लाइन विद द नेम थ्रेडेड बाई अलीशा। प्लीज फॉलो इफ यू हैवन फॉलोड येट। एंड वहाँ पे अभी जस्ट मैंने एक पोस्ट डाला है एंड रियली एक्साइटेड टू सी द कन्वर्जन एंड आपका कैसा रिस्पॉन्स एंड सब कुछ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का नाइट रूटीन, लेट्स गो। तो इट्स बैक टू बैक शूटिंग वीक के कारण ना मेरा पूरा छोटू सा रूम एकदम मैसअप हो गया है। रियली नीड टू क्लीन ऑल ऑफ दिस मैस अप क्योंकि मेरा दिमाग भी काम नहीं करेगा एंड सबसे पहले इसको कर लेते हैं एंड देन वी विल सी कि नेक्स्ट क्या करना है। आई हैव ऑलमोस्ट क्लियर्ड अप दिस पार्ट, मेरा बेड का जो पूरा पार्ट है। तो अब जो रेस्ट पार्ट बचा है उन सबको क्लियर करना है, विच इज गोइंग टू बी अ रियल बिग टोल। लेकिन इसके लिए आई एम गोइंग टू सेट द सूदिंग रूम का टोन थोड़ा सा विद म्यूजिक और समथिंग समथिंग। लेट्स डू दैट फर्स्ट एंड उसके बाद फिर रेस्ट सारा कुछ क्लियर करते हैं, विच आई एम गोइंग टू डू अलोन। I finally set up the aesthetic of the room and अब बहुत ज़्यादा आराम सा चिल सा लग रहा है एंड नाउ आई एम गोइंग टू लाई डाउन एंड आई एम टू रीड सम चैप्टर्स ऑफ माई फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड। तो अभी वो कर लेते हैं जल्दी से एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी राइट नाउ। Now I'm quickly going to remove all of this makeup क्योंकि I'm wearing this from 3 hours straight and मेरे साथ ऐसा ना कि अगर मैं बहुत बहुत देर तक makeup लगा लेती हूँ ना तो फिर मेरा थोड़ा सा breakouts होने लगता है, so I'm going to clear it out ASAP। So I'm feeling super clean, एकदम अच्छा सा फील हो रहा है अब जाके, क्योंकि मेकअप नो मैटर वॉट थोड़ा सा हैवी तो लगता ही है, मेरे लिए तो लगता है। एंड नाउ आई नीड टू सिट डाउन एंड डू सम रिसर्चिंग ऑन माई यूट्यूब एनालिटिक्स, देखते हैं कि क्या क्या आप लोग पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू सिट डाउन एंड साथ ही कुछ खाने का भी लाना होगा क्योंकि दीज डेज आई एम नॉट लाइक वर्किंग आउट प्रॉपरली, हर दिन तो नहीं हो पा रहा है। फॉर दैट आई एम स्किपिंग माई डिनर कैलोरी डिफिसिट के कारण एंड तो इसलिए अभी इवनिंग स्नैक में आई वॉन्ट टू हैव समथिंग सीरियस एंड उसके साथ साथ हम लोग काम करेंगे ताकि मजा भी आए। सो लेट्स गो। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड द एनालिटिक्स एंड ये मैं हमेशा वीक में एक बार तो कर ही लेती हूँ सो दैट आई कैन गेट द आइडिया ऑफ द कॉन्टेंट दैट यू पीपल लव एंड कहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन डाउन जा रहा है। एंड आई हैव माई हॉट चॉकलेट एंड प्लेन पॉपकॉर्न बनाया है मैंने एंड आई एम गोइंग टू ईट इट ऑल क्योंकि डिनर तो करना नहीं है। राइट नाउ आई एम सिटिंग हियर टू मेक माई टू डू लिस्ट कल के लिए, कल का पूरा दिन एकदम प्लान ऑर्डर में होना चाहिए एंड अदर दैन दैट आई एम ऑल्सो प्लानिंग माई फेब्रुवरी कॉन्टेंट। एंड इस साल मैंने ये डिसाइड किया था आई एम गोइंग टू टच वाइडर ऑप्शन वाइडर आइडियाज ताकि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो, स्पेशली अ लॉट ऑफ गाइज आस्क मी टू मेक वीडियोज रिलेटेड टू मेन्स फैशन। सो इस साल आई थिंक आई एम गोइंग टू टच दैट एरिया टू। तो अभी थोड़ा सा ये प्लान कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। ओके
By the way, I'm also going to check my mail so that I can get the idea कि अभी तक कितने giveaway winners ने अपने details भेजे हैं, क्योंकि मुझे जल्दी से उन लोगों को post करना, because the situation of like pandemic is going really bad in my area too, so I have to do that ASAP. तो अभी फिलहाल वो भी check कर लेता. So these are the Christmas giveaway gifts. तो इस result को out होने में भी बहुत time लगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ हो गया था. Every day I was pulling it off to the next day. तो कल मैंने finally result declare कर दिया था. तो अभी तक I think आ गए होंगे सारे addresses. दो तो winner हैं, दो तीन winner हैं यार. So I'm going to pack all of this right now.